क्या दिक्कत है? उधर देखो कितना कीचड़ है, हर दिल्ली दिल्ली पे हर जगह पे कचरा सब रखा हुआ है, हर नुक्कड़ हर गली हर जो चौराहे पे कचरा देखो रखा हुआ है। इधर देखो वो सब तोड़ के रख रखा है। देखो ये है दिल्ली का नेता, ये वोट लेने के बाद कहता है बढ़िया है, जब वोट लिया पार हो जाता है ना तो तू अपने घर मैं अपने घर। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ दिल्ली एकदम सुरक्षित रहे, साफ सुथरे में रहे। बंगी लोग को पैसे देते हैं, खा लेते हैं और घर चले जाते हैं, काम होता या नहीं होता वो भाड़ में जाए, वो नेता सोचे। आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ही दिक्कत सामना करना पड़ता है, इसलिए रिक्शे वाले हूँ मैं। अब यहाँ का सवारी बैठा हो तो कहेगा 10 रुपया ले लो, ये बैटिक वाला चलवा के और हम लोग को बैंड बजा दिया हुआ है, मगर क्या बोलेगा इंसान को, समझदारी नहीं है ना, काम धंधा हो रहा है। फिर से कह रहा है वो कोरोना वायरस निकला है, कौन सा कोरोना निकला है? अभी वैक्सीन लगवाई आपने? मैं लगवा लिया हूँ वैक्सीन। मास्क तो नहीं लगा रखा आपने? तो मास्क तो अब क्या लगाएंगे जब वैक्सीन लगाई पड़ा हुआ, तो चलान नहीं करते हुए? चलान आपका है का? इतना जने तो है सारे तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, उसका तो चलान काटो पहले। पुलिस वाले भी घूमते हैं बिना मास्क लगाए हुए, तो क्या उसी को बोलेंगे? उधर जाओ तो उधर गाली बक देता है, उधर जाओ वहाँ पे खड़े रहो तो उसके सामने वो भी गाली बकने लगता है। क्या फायदा है दिल्ली शहर में रह के, कोई फायदा हो रहा है हमें? कहाँ के रहने वाले हो भाई? बिहार के रहने वाले हैं। कब से हो यहाँ पर? मैं यहाँ पे करीब 15-16 साल से हूँ मैं यहाँ, मगर ये जो चाह है कि केजरीवाल ने कुछ कर दिया है मगर कुछ नहीं। हाई फाई एरिया में जाके जो है ना रोड बनाते हैं, हर चीज़ करते हैं हाई फाई एरिया में, ये एरिया में कुछ भी नहीं करते हैं उन लोग ने। गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो? गवर्नमेंट से कोई बात बोलना चाहते हो? गवर्नमेंट से क्या मैं कहूँ, गवर्नमेंट भी सोचे कि हर जगह कचरा जो होता है तो उसको साफ करवाए। नगर निगम ने गाड़ियाँ तो चला रखी केजरीवाल ने, वो कूड़े वाली आती तो है? आते तो है मगर ये क्या उठाएगा थोड़ी, वो घर में का कचरा उठाएगा खाली। तो जब घर में कचरा उस पर डाल दिया जाता है तो रोड पे कचरा कहाँ से आता है? वही तो बात है ना, रोड पे फिर क्यों आ जाता है? कहता बिहारी बदला में, यहाँ तो घर घर में देखता हूँ कि घर से लेके आता है थैला में लेके आता है और रोड पे फेंक देता है। फरो कीड़ा कीड़ा फट जाता है तभी भी नहीं उठाता है लोग। रोड पे थूकते वगैरह बहुत भी? थूकते तो सारे इंसान हैं, हम लोग क्यों नहीं, सभी थूकते हैं, थूकने से कोई आरोप नहीं है। गुटखा भी खाते? मगर हाँ गुटखा तो खाते हैं। आप गुटखा खाते हो? आप सफाई की बात कैसे कर रहे हो भाई? मैं तो खाता हूँ। तो वो भी थूकते हो? वो भी थूकता हूँ, मैं भी थूकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो जो गुटखा तो थूकते होगे, लीटर तो होगे नहीं आप? हाँ, कैसे तक जाते हो? मैं साइड में कहीं पे थूकता हूँ, बीच रोड पे नहीं। तो गंदगी तो है? गंदगी हाँ ये तो है। तो पहले आपको? हाँ मेरे को सुरक्षित बनना पड़ेगा, पहले आपको अपने में बदलाव लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मानते हो? हाँ मानता हूँ। पब्लिक पैसे देता नहीं है, कहता है महंगाई सस्ता हो गया है, केजरीवाल बस दे दिया तो सस्ता ही जमाना सोचता है कि पेंडल मारूंगा तो पहुँचाऊंगा उसे। अब बैटिक वाला क्या है, किक मारता और पहुंचा देता है, पर हम लोग को कौन सुनने वाला है आवाज? ये आपको खुद का है? नहीं भाड़े का है, 50 रुपया रोज डेली देना पड़ता है हम लोग। और कमा कितना लेते हो? 200-250-300। अभी काम ऐसे भी ठप पड़ा हुआ है, क्या कमाएगा आदमी। सुबह कितने बजे आ गए थे आप? 6 बजे यहाँ आ जाते हैं। अभी तक कितना कुछ काम किया? 40 रुपये का काम किया हूँ सुबह से लेकर अब तक। अभी तक के नाश्ता वगैरह? नाश्ता तो खाया हूँ अभी घर पे। अभी आपका एक टाइम खराब किया है ना हमने, तो आपको ये बनते हैं। थैंक यू। आज का दिन आपका? आज का दिन अच्छा जाएगा, ठीक है, ये भी अच्छा जाएगा। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आज से गुटखा वगैरह थोड़ा कम कर देंगे। इस पैसे से आपको कुछ फायदा मिलेगा? कुछ मिलेगा, घर का चावल उबल आएगा, आप लोग को भी भला हो, हम लोग को भी भला हो। बच्चे बच्चे वगैरह पढ़ते हैं आपके? हाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, पढ़ाते हो ना? हाँ हाँ सफेद मोरिया दिल्ली स्कूल हाई स्कूल। अच्छे से पढ़ा रहे उन्होंने? क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अच्छा बने, अच्छा अच्छा के साथ तो आप ये काम कर रहे हो आगे, मेहनत कर रहे हैं तो वो जो है ना थोड़ा पढ़ लिख के थोड़ा बड़े पोस्ट पे जाए, अच्छा रहे। चलो अच्छा लगा मिलकर दीजिए। थैंक यू भाई, हाथ मिलाओ ना यार। थैंक यू बाय।